देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या कर रहे थे, ये हमारा डिस्काउंटिंग वाला टॉपिक था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब हम बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से, तो मैं एक बार पहले ये कंसेप्ट रिवाइज करा देती हूँ। इसमें था क्या, इसमें मेनली हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि जैसे ए और बी, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था 10,000 का, हमने अपने एग्जाम्पल में लिया था कि वो उसको आफ्टर 3 मंथ्स क्या करेगा, आफ्टर 3 मंथ्स वो उसको पे कर देगा। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, अब ए को पैसों की आज ही जरूरत थी, तो ए ने क्या किया, बैंक से ये बिल डिस्काउंट करा लिया, और बैंक ने क्या किया है, 10,000 रुपीज के बदले जो भी हमारा एक्चुअल में क्या बोलते हैं, जो डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट का उस टाइम रेट चल रहा होता है ना बैंक में, किसी को जैसे उधार देते हैं तो इंटरेस्ट का जो भी रेट चल रहा होता है, उस इंटरेस्ट रेट से बैंक क्या करता है, उतना डिडक्शन करके उसको तब पे करता है, क्योंकि बैंक भी तो उसमें कुछ अर्निंग करेगा ना। अगर बैंक 10,000 के बदले 10,000 दे देगा और फिर आफ्टर 3 मंथ्स 10,000 रुपीज ही रिसीव करेगा, तो बैंक को इस ट्रांजेक्शन में कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए बैंक क्या करता है, जैसे किसी को इंटरेस्ट पे उधार में कुछ पैसे दे देते हैं ना, इस टाइप से बैंक ने क्या किया, वो 10,000 का BR रखा और अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस 200 रुपीज डिडक्ट करके, 200 हमने एज्यूम किए थे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन हो, कोई भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो 200 रुपीज डिडक्ट करके बैंक ने क्या किया, 9,800 ए को पेमेंट कर दिया। अब बी ने आफ्टर 3 मंथ्स बैंक को 10,000 रुपीज दे दिए। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हमने ए बी और बैंक की बुक्स में रिकॉर्ड की थी। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसकी हेल्प से ये वाला क्वेश्चन हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबान सिंह फॉर ₹1,000 ऑन 1st January। हमने 1st January को गुड्स सेल किए हैं, तो देखो मैं दोनों की पहले लिख देती हूँ, इधर हम विनोद की बुक्स में भी एंट्री करने वाले हैं और दरबारा सिंह की बुक्स में भी एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, विनोद ने 1,000 के गुड्स सेल किए हैं। जहां क्वेश्चन में सेल के बारे में भी डिस्कशन होगा, तो दोनों की बुक्स में हमें सेल परचेज की एंट्री भी पास करनी होगी। तो मैं साथ साथ करती हुई चलती हूँ, हम पहले 1st January 2021 को दोनों की बुक्स में एंट्री पास कर लेते हैं सेल परचेज की, क्योंकि फिर पूरा क्वेश्चन को बार बार रीड करना पड़ता है। तो विनोद की बुक्स में क्या एंट्री होगी सेल की, जब विनोद ने दरबारा सिंह को गुड्स सेल किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, दरबारा सिंह डेबिट हो जाएगा इसकी बुक्स में, क्योंकि इसने सेल किया है टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की गुड्स सेल किए हैं, 1,000 की। इसकी बुक्स में परचेज की एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद से अकाउंट 1,000 रुपीज। ठीक है, ये तो हो गई दोनों की बुक्स में सेल परचेज की एंट्री। उसके बाद क्या हुआ है, ही ड्रॉ ऑन द लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट पेएबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट। ठीक है, उसने फिर बी उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया और फिर आगे लिखा हुआ है, ही डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक। डिस्काउंट कराने की हम बाद में देखते हैं, पहले हम बिल ड्रॉ करने की एंट्री भी पास कर लेते हैं। पहली एंट्री हमारी सेल परचेज की हो गई, दूसरी एंट्री, अब कोई डेट नहीं बताई कि किस दिन किया है, तो हम सेम डेट को ले लेते हैं कि 1st January को ही उसने बिल ड्रॉ कर दिया, 1st January 2021 को बिल ड्रॉ करने की एंट्री होगी। तो बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री होती है हमारी, विनोद की बुक्स में बताओ, जब बिल ड्रॉ करेगा तो क्या एंट्री होगी, मानसवी, बिल ड्रॉ करने की एंट्री हमारी बुक्स में क्या होगी, विनोद की बुक्स में, बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू दरबारा सिंह, बीआर अकाउंट डेबिट टू दरबारा सिंह। ठीक है, तो 1,000 रुपीज पे इधर बिल ड्रॉ हो गया, अब इधर इसकी बुक्स में हमारी एंट्री हो जाएगी विनोद डेबिट टू
बिल्स पेबल अकाउंट, इसके लिए ये बन गया बिल्स पेबल, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है कि विनोद ने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, और डिस्काउंट कब कराया है, ऑन 4th January, ठीक है। 4 rupees कितना हमें अमाउंट दिया हुआ है, 990। अब देखो 1000 का बिल था और बैंक से डिस्काउंट करा के कितने पैसे मिले हैं, 990। इट मींस 10 rupees हमारे उसमें डिडक्ट हो गए, क्योंकि 1000 के बदले में 990 rupees मिले। तो यहाँ पर हम एंट्री पास कर लेते हैं। फिर लिखा हुआ है ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट, तो दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो 4th January को उसने क्या किया था, बैंक से बिल डिस्काउंट कराया था। तो पहले मैं यहाँ पर बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री पास करती हूँ। अब एक बात सोचो लॉजिकली, जब विनोद बैंक के पास जाएगा बिल डिस्काउंट कराने, तो ये जो बी आर है जो इसकी बुक्स में डेबिट था, ये बी आर तो इसके पास से चला जाएगा, तो ये बी आर अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बी आर तो इसके पास से गया। अब उसको देखो बैंक से कितने रुपीज मिले हैं, तो हम क्या करते हैं बैंक अकाउंट ही डेबिट कर देते हैं, क्योंकि बैंक नॉर्मली क्या करता है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है वो पैसे। तो बैंक ने हमें 990 रुपीस दिए होंगे, तो हमारी बुक्स में क्या हो जाएगा, विनोद की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अब ये जो 10 rupees इसको कम मिले हैं, ये 10 rupees इसके लिए लॉस है एक टाइप का, तो इसको हम बोल देंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो डिस्काउंट कराने के चार्जेस गए हैं, तो इसकी बुक्स में ये क्या हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके लिए एक तरीके का लॉस है, और लॉसेस का अकाउंट हमारे लिए क्या होता है, ये डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बी आर अकाउंट, ये हो जाती है बिल बैंक से डिस्काउंट कराने की, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है। तो देखो ये एंट्रीज अलग अलग केसेस में चेंज हो जाती हैं, इसलिए ये एंट्रीज याद नहीं करनी, हमें समझनी है। अच्छा 4th January को इसकी बुक्स में कोई एंट्री होगी क्या, इसके ऊपर इस ट्रांजेक्शन से कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर इसने बिल डिस्काउंट करा लिया है तो? नो मैम, यहाँ पर हम लिख देंगे नो एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब जब मैच्योरिटी डेट आई, तो मैच्योरिटी डेट आने पर इसने फाइनली क्या नाम है इसका, दरबारा सिंह ने पेमेंट कर दिया। अब देखो ये पेमेंट किसको करेगा, विनोद को करेगा या बैंक को पेमेंट करेगा, जिसके पास बिल होता है पेमेंट उसको मिलती है। अब इस टाइम बिल किसके पास है, बैंक के पास है, तो विनोद को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विनोद ने तो पैसे पहले ही ले लिए। अब मैं पहले मैच्योरिटी डेट देख लेती हूँ, 1st January से अगर मैं 3 months काउंट करूंगी तो हमारे 4th April 2021 आएगी डेट, तो इसकी बुक्स में तो हो जाएगी नो एंट्री, क्योंकि इसको तो ये पैसे मिलेंगे नहीं, ये पैसे किसको मिलेंगे, बैंक को मिलेंगे। तो रिसीव करने की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक की बुक्स में, इसकी बुक्स में तो नॉर्मली पे करने की एंट्री है। पे कैसे करेगा, ये सिंपल है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, बैंक में इसने अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए होंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अगर ऑनलाइन ट्रांसफर किए होंगे या चेक दिया होगा बैंक को, नहीं तो फिर हम कैश अकाउंट भी कर सकते हैं, क्रेडिट हो सकता है ये बैंक में कैश जमा करके आ गया हो, ठीक है। तो इसकी बुक्स में तो पेमेंट की एंट्री हमेशा सेम ही रहेगी, इसको तो पे करने से मतलब है, जिसको भी ये दे रहा है वो अलग बात है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब ये हमसे इसमें बैंक की बुक्स में एंट्री मांगी नहीं है, वरना हम बैंक की बुक्स में इस पैसे को रिसीव करते, ठीक है। तो हम बस इन दोनों की बुक्स में एंट्री करनी थी, इतना हमारा ये क्वेश्चन है, क्लियर है। यस मैम, ठीक है। अब देखो इसके बाद ना एक क्वेश्चन में ऐसा देखना, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें ना हमें इंटरेस्ट का रेट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्ट का रेट गिवन होता है, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है डिस्काउंटिंग चार्जेस वाली। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वैसे इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ, दूसरा उसका तुमसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा देती हूँ, 5 तुम्हारा होमवर्क है। देखते हैं, ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन 1st March टू बी ऑन क्रेडिट, वही हमें दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए एंड बी, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आ रही है हम उसको लिखते चलते हैं।
एंट्री उसकी पास करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, फर्स्ट मार्च को हमने किया है, फर्स्ट मार्च 2021 को हमने गुड्स सेल किए थे, तो इसकी बुक्स में वही नॉर्मल हमारी एंट्री फीस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर सेल्स की बात की हुई होती है तो हमें सेल की एंट्री भी पास करनी ही है, क्योंकि जितनी बातें क्वेश्चन में लिखी है हमें सबकी एंट्री पास करनी है। फर्स्ट जनवरी 21 को इसकी बुक्स में परचेज की एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। मतलब ये दो एंट्री स्टार्टिंग की तो बिल्कुल सिंपल ही होती है। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, उनकी नरेशन तो क्योंकि नॉर्मल है, वही कोई नई नरेशन आती है तो उसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, वी एक्सेप्ट अ बिल ऑन दैट सेम डेट फॉर द अमाउंट पेएबल 3 months आफ्टर डेट। वो बोल रहा है वी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया सेम डेट को, मतलब कि फर्स्ट मार्च को ही। ठीक है, तो इसकी बुक्स में कर लेते हैं बी आर, इसके लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। तो ये दो एंट्री तो हमारी कॉमन है, मोस्टली क्वेश्चंस में आएंगी ही आएंगी। इसकी बुक्स में क्या बन गया, ए का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि ए डिस्काउंट द बिल एट 6% पर एनम फ्रॉम बैंक ऑन 4th April। अब देखो ये कैसे कैलकुलेशन होती है, इसमें लिखा हुआ है कि जो बिल की डेट थी ना, बिल की जो मैच्योरिटी डेट है वो आफ्टर 3 months है। तो पहले हम बिल की मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंटिंग कैसे, डिस्काउंट चार्जेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट चार्जेस, इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा तुम्हें। पहले हम बिल की मैच्योरिटी डेट देखते हैं, मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल क्या होगी, बिल की मैच्योरिटी डेट है हमारी 3 months और 1st March को हमने बिल ड्रॉ किया था, तो 1st March से 3 months हम काउंट करेंगे तो अप्रैल मई जून, तो वो हो जाएगा हमारा क्या 1st June हो जाएगा, 1st June में 3 days और ऐड हो जाएंगे तो 4th June 2021 हमारे बिल की डेट ये हो जाएगी मैच्योरिटी डेट। अब देखो 4th June को बैंक को पैसे कब मिलेंगे, मैच्योरिटी डेट पर मिलेंगे, और ए ने ये बिल डिस्काउंट करा लिया है कब, 4th हमें डेट दी हुई है कौन सी, 4th April को। डिस्काउंटिंग डेट, बिल कब डिस्काउंट कराया है, बिल डिस्काउंट कराने की डेट क्या है, 4th April। ठीक है, अब इस दिन 4th April को बैंक से बिल डिस्काउंट कराया है और बैंक का जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 6% पर एनम। इंटरेस्ट रेट क्या है बैंक का, 6% पर एनम। ये पर एनम का रेट है, पर एनम मतलब पूरे पूरे ईयर का रेट है। तो बैंक से पेमेंट हो जाएगी 4th April को, फिर उसके बाद में बैंक को पैसे कब मिलेंगे, 4th June को, मतलब 2 months लेटर। ठीक है, जिस दिन बिल डिस्काउंट कराया होता है हम उस दिन से काउंट करते हैं मैच्योरिटी डेट तक का टाइम, यानी कि इस डेट से इस डेट तक का टाइम। तो यहाँ पर जो टाइम गैप है वो है 2 months का, यानी कि जो मैं मंथ्स कैलकुलेट करूंगी ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए, वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम, जिस दिन बिल बैंक से डिस्काउंट कराया होता है। तो किसी क्वेश्चन में तो बिल सेम डे डिस्काउंट हो जाता है जब हम बिल ड्रॉ करते हैं, जैसे इसमें बिल ड्रॉ करने की 1st March की डेट, तो कभी कभी तो 1st March को ही डिस्काउंट कराया हुआ होगा और कभी कभी कुछ दिन बाद डिस्काउंट कराया होगा। तो हमें जो मतलब है वो इस वाली डेट से मतलब है, बिल जिस दिन डिस्काउंट कराया है उस दिन से हम काउंट करेंगे मैच्योरिटी डेट का टाइम। तो डिस्काउंट चार्जेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा बिल था 10,000 का, 10,000 पर हम 6% अप्लाई करेंगे और कितने मंथ्स का उससे चार्ज किया जाएगा, 2 months का। समझ रहे हो कि 2 months हमने कैसे कैलकुलेट किया, जिस दिन बिल डिस्काउंट कराया है भाई बैंक हमसे कितने दिन के चार्जेस लेगा। भाई मैं अगर आज बैंक से पैसे लेकर गई हूँ और बैंक को पेमेंट मिलेगी 2 months बाद, तो बैंक मेरे से 2 महीने के ही तो लेगा चार्जेस। तो यहाँ पर सेम चीज हुई है,
बिल डिस्काउंट कराया 4 अप्रैल को, बैंक को पैसे कब मिलेंगे, मैच्योरिटी डेट पर, तो वो होगी हमारी 4 जून। यहाँ से यहाँ तक हमने टाइम गैप देखा तो वो आया हमारा 2 मंथ्स। तो 10,000 का 6% 2 मंथ्स के लिए हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज आ जाएगी इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि हमें 100 रुपीज कम मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो डेट का ध्यान रखना है 4 अप्रैल 2021 को, बी ए की बुक्स में एंट्री होगी हमारी। ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, जब वो बिल डिस्काउंट कराने जाएगा तो इसको पैसे मिल जाएंगे, तो ये अपनी बुक्स में क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके लिए 100 रुपीज का लॉस हो गया, 100 रुपीज इसको कम मिले होंगे, टू बीआर अकाउंट, बीआर इसकी बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा, वो पूरे 10,000 का है, ये 100 है, तो 10,000 में से 100 गया तो 9,900 रुपीज इसको मिलेंगे। इसकी बुक्स में 4 अप्रैल 2021 को नो एंट्री, इसको कोई मतलब नहीं है, तुम बिल डिस्काउंट कराओ, तुम बिल किसी और को दो, अपने पास रखो, इसको इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। इसको मतलब किस दिन से है, जिस दिन इसको पेमेंट करनी है। अब आएगी पेमेंट की डेट, पेमेंट की डेट हमारी क्या है, 4th June 2021। 4th June को इसको मतलब नहीं है, क्योंकि इसको तो पैसे नहीं मिलेंगे नहीं, जब ये पेमेंट करेगा तो ये बैंक को पेमेंट करेगा, तो 4th June को क्या एंट्री हो जाएगी, इसकी बुक्स में सिंपल पे करने की एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, इसको तो पूरे 10,000 देने हैं, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है कम मिला था ज्यादा मिला था, इसको तो अपनी तरफ से जो इसके बिल की पेमेंट थी वो पूरी करनी है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 10,000। तो ये होता है, मतलब कि किसी किसी क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट चार्जेस की वैल्यू नहीं गिवन होती, हमें ये कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो ये तुम्हें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। जिस दिन हम बिल डिस्काउंट कराते हैं वहां से हम मैच्योरिटी डेट का टाइम कैलकुलेट करेंगे, कितना वो गैप आएगा, मंथ्स में है क्वेश्चन तो मंथ्स में काउंट कर लेंगे, डेज में अगर हमारा क्वेश्चन होगा तो डेज में काउंट कर लेंगे। तो नॉर्मली ये डेट इस हिसाब से गिवन होती है कि तुम्हारे मंथ्स ना एक्यूरेट आते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 4th अप्रैल डेट थी, तो 4th अप्रैल से 4th June तुम्हारा एग्जैक्ट 2 मंथ्स आ रहा था हमारा, तो 2 मंथ्स हमने यहाँ पर ले लिया, 6% हमने 2 मंथ्स का कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये पर एनम का रेट था। ठीक है, तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हमें कई बार कैलकुलेट करने के लिए आ जाते हैं। तो क्वेश्चन करना बिल्कुल सिंपल है, अगर तुम्हें एक बार कंसेप्ट पता है तो फिर इसमें कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम कर लेना। वैसे मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखो घर से करने के लिए दे नहीं रही हूँ, तो कोई कोई क्वेश्चन जो बीच में स्किप कर रहे हैं, अगर तुम 10 मिनट्स का भी टाइम निकालोगे तो तुम्हारे साथ साथ हो जाएंगे, वो फिर पेंडिंग नहीं रहेगा अगर तुम निकाल सकते हो तो। ठीक है, इसको नोटिंग तो नहीं करना है, तो या नोट या फिर चेंज कर दो। कर लिया मैम। ओके, तो मैं एक नया कंसेप्ट है हमारा एंडोर्समेंट ऑफ बिल, करा दूं इसको भी। क्योंकि मुझे लगता है अभी कुछ दिन तुम और तानवी बस दो जने ही क्लास अटेंड करेंगे, 2-4 दिन तो इस वीक में, इस वीक बाकी मोहित और कृतिका का क्लास अटेंड करना मुश्किल है, तो रिकॉर्डिंग से ही करेंगे वो लोग, तो क्लासेस तो हमारी होंगी ही। ठीक है, तो एंडोर्समेंट वाला कंसेप्ट मैं करा दूं या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते क्या करना है। मैम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कंसेप्ट तो हमारा पूरा हो जाएगा, मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि 4:36 हो गया है, थोड़ा नया कंसेप्ट है, मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट जो दो जने प्रेजेंट रहने हैं वो तो प्रेजेंट रहे कम से कम, थोड़ा सा सामने लाइव क्लास की बात अलग हो जाती है। ठीक है, तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो तुम वो डिस्कस कर